डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे डेयरी केमिस्ट्री चैप्टर 12 के अंदर दूध में पाए जाने वाले जो अवयव हैं उनका जो संक्षिप्त विवरण चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। जो दुग्ध वसा है उसका पोषक जो महत्व क्या होता है, टॉपिक रहेगा आज का दुग्ध वसा का पोषक महत्व। दुग्ध वसा का जो पोषक महत्व होता है वो क्या होता है कि भारतीय जो होते हैं वो अधिकतर शाकाहारी, इंडियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं शाकाहारी है, अतः उनके भोजन में पशु की जो वसा है वो मुख्य स्रोत है। यानी कि अधिकतर भारतीय जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, उनके भोजन में दुग्ध की जो वसा है वो मुख्य स्रोत के रूप में होती है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पेपर में पूछ ले घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दुग्ध वसा में पाए जाने वाला प्रमुख अवयव होता है फॉस्फोलिपिड। दुग्ध की वसा जो है उसमें पाए जाने वाला प्रमुख अवयव कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। उसका जैविक महत्व क्या होता है, उसका जैविक महत्व क्या होता है, यह रक्त स्कंदन में क्या होता है सहायक होता है, कौन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का जैविक महत्व क्या है आपसे पेपर में पूछ ले तो आंसर देना है कि यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, प्रोटोप्लाज्म के संरक्षण में सहायक होता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो संरचना है उसका प्रमुख अवयव होता है। प्रजनन एवं शरीर विकास दोनों में क्या होता है सहायक होता है। कोशिकाओं में पोषण का कार्य करता है, प्रजनन एवं विकास में क्या होता है सहायक, कोशिकाओं में प्रजनन में सहायक होता है। इसके अलावा दुग्ध वसा से शरीर को क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन एवं कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट में दुग्ध वसा शरीर के लिए क्या मिलता है, आवश्यक वसीय अम्लों के रूप में लिनोलेइक अम्ल मिलते हैं। दुग्ध वसा से शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलेइक अम्ल मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कम द्रव्यमान वाले जो बिंदु हैं इसमें कम द्रव्यमान वाले बिंदुओं के रूप में वसीय अम्ल होने के कारण इनका जो पाचन संस्थान है उसमें पाचन संस्थान में इनका जो पाचन है वो आसानी से होने लग जाता है। तो ये है आपके दुग्ध वसा का पोषक महत्व। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है अधिकतर भारतीय शाकाहारी हैं उनके भोजन में दुग्ध वसा एक प्रमुख स्रोत है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दुग्ध वसा का, अधिकतर भारतीय शाकाहारी है अतः उनके भोजन में अधिकतर भारतीय शाकाहारी हैं अतः उनके भोजन में दुग्ध वसा एक प्रमुख स्रोत है। उनके भोजन में दुग्ध वसा जो है वो क्या है एक प्रमुख स्रोत है। यानी अधिकतर भारतीय जो होते हैं वो शाकाहारी हैं, उनके भोजन में दुग्ध वसा क्या है एक प्रमुख स्रोत। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दुग्ध वसा का प्रमुख अवयव फॉस्फोलिपिड होता है। दुग्ध वसा का प्रमुख अवयव फॉस्फोलिपिड है। प्रमुख अवयव फॉस्फोलिपिड है जिसका जैविक महत्व निम्न है,
जिसका जैविक महत्व तो निम्न है। दुग्ध वसा का जो प्रमुख अवयव है वो कौन होता है? फॉस्फोलिपिड है, उसका जैविक महत्व तो निम्न। तो फॉस्फोलिपिड का जो जैविक महत्व तो निम्न है, उसमें पहला किसके रूप में? यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है। फॉस्फोलिपिड जो है उसका जैविक महत्व के रूप में बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो किसमें सहायक होता है? रक्त स्कंदन में सहायक होता है। दूसरा, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में क्या होता है? सहायक होता है। प्रोटोप्लाज्म की जो संरचना है उसका प्रमुख आधार है, यह प्रोटोप्लाज्म की संरचना का प्रमुख अवयव है, प्रमुख अवयव है। यह प्रोटोप्लाज्म की जो संरचना है उसका प्रमुख अवयव है। यह कोशिकाओं के प्रजनन व विकास में सहायक होता है, कोशिकाओं के प्रजनन व विकास में सहायक होता है। इससे स्वतंत्र वसी अम्लों के रूप में लिनोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह स्वतंत्र वसीय अम्लों में वसीय अम्लों के रूप में जैसे लिनोलेइक अम्ल में सहायक होता है, यह कम तरुणांक वाले बिंदुओं में पाचन संस्थान में पाचन के लिए आवश्यक होता है। ये है दूध वसा का पोषक मैल। दूध जो अधिकतर जो भारतीय शाकाहारी होते हैं इनके भोजन में दूध वसा एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना आप लोगों को 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। या फिर यहाँ से दूध वसा का प्रमुख अवयव कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। अब पेपर में पूछ ले कि फॉस्फोलिपिड का जैविक महत्व क्या है, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है, यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, प्रोटोप्लाज्म की संरचना का प्रमुख अवयव होता है, कोशिकाओं के प्रजनन विकास में सहायक होता है, स्वतंत्र वसीय अम्लों के रूप में लिनोलेइक अम्ल में सहायक होता है, और यह कम द्रव्यमान वाले बिंदु के रूप में होने के कारण पाचन संस्थान में पाचन के लिए क्या होता है? आवश्यक। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।